हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि होली आने वाली है और होली के लिए हमने करी है खूब सारी प्रिपरेशन, हमने बनाए हैं खूब सारे रेसिपीज जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है मावा, सूजी, बूरा शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट। सो अब हम एक पैन लेंगे और गुजिया का पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है बर्फ़ी, मैंने बर्फ़ी प्रेफर किया है। बर्फ़ी जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगी मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो अभी मैंने डाला है इसमें ड्राई फ्रूट्स, सूजी, शुगर एंड कोकोनट पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है, गैस बंद कर देना है। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं पफ नमक पारे विद लिटिल ट्विस्ट। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और 1/4 ऑयल। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक टाइट सा डो रेडी कर लेंगे। डो बनकर हमारा रेडी है, अब हम इसको साइड में रख देंगे एंड नेक्स्ट जो डोज बनाने हैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मट्ठी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, हल्का सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और 1/4 ऑयल ऐड किया है और इसका भी एक टाइट सा डो हम बनाकर रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट अब मैं बनाने जा रही हूँ मीठी मठरी। उसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, ये आटे का बनेगा। उसमें मैंने सौंफ डाली है, 2 चम्मच सौंफ डाली है और गुड़ का पानी डाला है और 1/4 घी। इसको भी अच्छे से टाइट सा एक डो बना लेना है। सो अब सारे डो बनकर रेडी हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग नमकीन एंड मीठा डो लेंगे और इनके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे, छोटी छोटी टिक्कियाँ तलने के लिए जो कि बाद में मट्ठी का शेप ले लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मट्ठियाँ बनकर रेडी है, नाउ मीठी मट्ठी का टर्न, जल्दी से बनाते हैं इसको भी। तो मठियाँ बनकर तो रेडी हैं, अब नेक्स्ट टर्न चिप्स का। लेट्स स्टार्ट मेकिंग चिप्स क्विकली। पफ नमक पारे बनाते समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जितने ज़्यादा आप लेयरिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही वो पफ़ी बनेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैं एक लेयर बनाने के बाद उसको ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके देन अगेन उसका दूसरा लेयर रेडी करती हूँ सो दैट कि वो पफ़ी बने।
स्ट्रिप्स बनकर रेडी हैं, अब टर्न इनको तलने का। तलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। जब तक मेरे ये सेकंड स्लॉट बनता है मैं तब तक टेस्ट करा के आती हूँ, बिकॉज मुझसे वेट नहीं हो रहा। बाबा जी के लिए ऑलरेडी पहले से ही निकाल के रख दिया है। लेट्स गो। लो बच्चों, लो फर्स्ट बच्चे, आराम से, गरम है। लो सेकंड बच्चे, लो। सॉरी मेरी शक्ल थोड़ी सी गंदी हो रही है, बट इट्स फाइन। बहुत डिलीशियस बने हैं, लिटरली बहुत डिलीशियस बने हैं। नाउ गोइंग टू मेक नेक्स्ट प्लॉट ऑफ मटरी। टाइम के साथ साथ मेरी हरकतें नहीं, मेरी एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है ना। पहली बार सब सही बनता है। और फिर तो भगवान भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है। भगवान भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है। बट नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। जब मेरा दिल होता है तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर अब मैं पूरा कम्प्लीटली टायर्ड हो चुकी हूँ, बिकॉज मॉर्निंग से मैं लगी हुई हूँ और अभी तक मैं कर रही हूँ। मॉर्निंग का खाना बनाया, फिर आफ्टरनून का खाना बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड दिस। सो दोस्तों, लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यार अभी तो गुजिया बननी बाकी है, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा मैं गुजिया कैसे बनाऊंगी। मैं तो हालत ही बिल्कुल डाउन हो गई है। आज तक लाइफ में मठरी सिर्फ खाई है, बनाई नहीं है। आई डोंट नो ये कैसे बन रही हैं। और ये सच में बहुत डिलीशियस है यार, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस, मज़ा आ रहा है। थकने के बाद ना मतलब ऐसा टेस्टी टेस्टी बन जाए ना, बस सुकून हो जाता है। ये बन रही है हमारी मीठी मीठी गुड़ वाली मठियाँ। तो मछलियों का कलर चेंज हो चुका है, एंड आई थिंक अब हमें निकाल लेनी चाहिए। और स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, दैट मीन्स वो मीठे वाली स्मेल आ रही है। चलिए निकाल लेते हैं। सो ये लास्ट स्लॉट तलने वाला हमारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली थी। सॉरी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट नाइट जाकर मैंने तली थी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।